आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल, मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं तेलंगाना की। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि शहर हैदराबाद के 4 जोन्स को छोड़कर रियासत में कहीं भी कोरोना वायरस के केसेस सरगर्म नहीं हैं। उन्होंने कहा कि फिलवक्त रियासत में जारी लॉकडाउन पर जूं का तूं अमल होगा। 17 मई को ख़त्म होने वाले मुल्की सतह के लॉकडाउन के मौके पर मरकजी हुकूमत के रहनुमायाना खतूत का जायजा लेने के बाद मुस्तकबिल की हिकमत अमली को खतियत दी जाएगी। उन्होंने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के इकदाम के साथ मौसम बरसात में आने वाले वबाई इमराज से भी चौकस रहने की अहदेदारों को हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने आज आला सतह इजलास मुनक़िद करते हुए लॉकडाउन की सूरत हाल का जायजा लिया। इस इजलास में वजीर सेहत ईटला राजेंद्र, वजीर पंचायत राज दयाकर राव, वजीर हाउसिंग प्रशांत, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, DGP महेंद्र रेड्डी, बल्दी नज्म व नस्क के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार के अलावा दीगर सीनियर अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना भर में कोरोना वायरस शहर हैदराबाद के सिर्फ 4 जोन्स तक महदूद हो गया है। LB नगर, मलकपेट, चार मीनार और कारवान जोन में फिलवक्त सरगर्म केसेस हैं। इन जोन्स में 1442 खानदान हैं। यादद्री, भोनगिर, जनगांव, मंचरियाल जिले से ताल्लुक रखने वाले माइग्रेंट लेबर्स में चंद अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं। इससे हटकर ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले आवाम कोई मुतासिर नहीं है। ये माइग्रेंट लेबर्स का भी हैदराबाद में इलाज किया जा रहा है, इसलिए इन तीनों अजला में भी मुस्बित केसेस नहीं हैं। मुस्बित केसेस 4 कंटेनमेंट जोन्स में हैं जहां लॉकडाउन सख्ती के साथ अमल किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जिन अफराद में अलामत पाई जा रही है उनका टेस्ट करवाया जा रहा है। कोरोना वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद भी सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद ज़्यादा है। रियासत में कोरोना से मरने वाले अफराद की तादाद 2.38% है, जबकि कौमी सतह पर यह शरह 3.5% है। इसलिए कोरोना वायरस से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ये वायरस और कितने दिन रहेगा इसका भी इल्म नहीं है, इसलिए कोरोना वायरस के साथ मिलकर ज़िंदगी जीने की हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत के तमाम इलाकों में हफ्ते से एयर कंडीशन यानी AC फरोख्त करने वाली दुकानात, ऑटोमोबाइल शोरूम्स, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स खोलने का फैसला किया गया है। रियासत भर में रजिस्ट्रेशन दुकानात RTA दफातर काम कर रहे हैं। बाकी लॉकडाउन के रोल का जो का तो अमल में रहेंगे। मरकज़ की जानिब से नाफिज करदा ताज़ा लॉकडाउन की मियाद 17 मई को ख़त्म हो रही है। मरकज़ के लॉकडाउन के ख़त्म होने पर बाज नरमी दिए जाने के इम्कान हैं, उस वक्त जायजा लेते हुए रियासत की हिकमत अमली का ऐलान किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बैरूनी ममालिक से आने वाले और मुख्तलिफ रियासतों से ट्रेनों के जरिए तेलंगाना में आने वाले अफराद से चौकस रहें। तैयारों के जरिए हैदराबाद पहुंचने वाले तेलंगाना के अफराद के टेस्ट करवाए जाएंगे और उनमें वायरस पाया जाता है तो उन्हें दवाखाना मुंतकिल किया जाएगा, वरना घरों में अलग थलग रखने की हिदायत दी जाएगी। हैदराबाद में आने वाले दीगर रियासतों के अफराद को एयरपोर्ट पर ही खसूसी बसों के जरिए उनके आबाई वतन रवाना करने की अहदेदारों को हिदायत दी गई है। इसी तरह माइग्रेंट लेबर्स को ट्रेनों के जरिए उनके आबाई रियासत मुंतकिल करने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वबाई इमराज को फैलने से रोकने के लिए शहरों और गाँव में साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाए। महीने में 5 मरतबा सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करने की हिदायत दी गई। मई के महीने के आखिर तक 2 मरतबा और जून में 5 मरतबा छिड़काव करने की हिदायत दी। इसी तरह मच्छरों की तदारक के लिए अद्वियात का छिड़काव किया जाए। शहरी इलाकों में मेयर्स, बल्दिया के चेयरपर्सन, कॉर्पोरेटर्स, काउंसलर्स और दही इलाकों में सरपंच, MPTC, ZPTC, जिला परिषद चेयरमैन अपने अपने हलकों में अद्वियात के छिड़काव के कामों में हिस्सा लें। वजीर बल्दी नज्म व नस्क तारक रामाराव और वजीर पंचायत राज दयाकर राव को वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए साफ सफाई के कामों का जायजा लेने और वक्तन फौकतन मशवरे देने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से माशी सूरत हाल ठीक नहीं है, इसके बावजूद दही और शहरी इलाकों में साफ सफाई के कामों और दीगर हंगामी कामों की अंजामदही के लिए फंड्स की किल्लत पैदा होने नहीं दिया जाएगा। दही और शहरी इलाकों को हर माह जो रकम जारी की जा रही है उसे जारी रखने का फैसला किया गया। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के महीने के फंड्स जारी कर दिए गए हैं और जून के फंड्स भी जारी करने की महकमे फाइनेंस को हिदायत दी गई है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हैदराबाद शहर में बस्ती दवाखानों से अच्छा रद्दअमल मिल रहा है। फिलवक्त 123 बस्ती दवाखाने काम कर रहे हैं। इसके अलावा मजीद 45 बस्ती दवाखानों को फौरी शुरू करने की वजीर सेहत ईटला राजेंद्र को हिदायत दी गई। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत भर में 20 जून से हरितारंभ प्रोग्राम शुरू करने की अहदेदारों को हिदायत दी गई है।
दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है और आज इस मोजी वायरस से मरने वालों की तादाद 3 लाख के पार हो गई है। वर्ल्ड इन्फोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक अब तक दुनिया भर में 45,80,048 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं और 3,05,588 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 17,35,000 से ज़ायद ठीक हुए हैं। अमेरिका में सबसे ज़्यादा 87,299 अफराद कोरोना वायरस से मारे जा चुके हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का कहर उरूज पर है और अब ये सबसे ज़ायद केसेस की तादाद वाले ममालिक की फहरिस्त में 12वें मकाम के साथ ही आलमी वबा के मरकज़ चीन के करीब पहुंच गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वबा के 3,967 नए केसेस सामने आने से मुतासरीन की तादाद 81,970 हो गई है और इसी दौरान 100 अफराद की हलाकत से हलाक होने वालों की तादाद 2,649 तक पहुँच गई है। हिंदुस्तान में भी मरकजी हुकूमत ने GDP का 10% राहत पैकेज के तौर पर खर्च करने का ऐलान किया है। इसी दरमियान आलमी बैंक भी बोहरान के इस वक्त में मसीहा बनकर सामने आया है। COVID-19 के खिलाफ जारी जंग में हिंदुस्तान को आलमी बैंक ने जुमे को एक बड़ी मदद देने का ऐलान किया है। आलमी बैंक ने हिंदुस्तान को समाजी सिक्योरिटी पैकेज की शक्ल में $1 बिलियन यानी करीब 7,500 करोड़ रुपए का पैकेज देने का ऐलान किया। आलमी बैंक ने यह मंजूरी गरीबों और वबा के तई हिस्सा खानदानों के लिए हुकूमत हिंद की लगातार कोशिशों को देखते हुए दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से 20 लाख करोड़ के माशी पैकेज के ऐलान के हवाले से वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन ने जुमे के रोज़ लगातार तीसरे दिन सहाफ़ियों से खिताब किया। निर्मला सीतारामन ने अपनी तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों पर तवज्जो मरकूज़ रखी और ज़िरात के ताल्लुक से उन्होंने 11 अहम ऐलान किए। किसानों की मुस्तकिल आमदनी, जोखिम से पाक खेती और मियार की दर्जाबंदी के लिए कानून साजी की जाएगी। निर्मला के बकौल इससे किसानों का इस्तेहसाल ख़त्म होगा और उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी। एक मरकजी कानून बनाया जाएगा जिससे किसान अपनी पैदावार को मुनासिब दामों पर दूसरी रियासतों में भी फरोख्त कर सकेंगे। ज़रूरी अशिया कानून यानी एसेंशियल कॉमोडिटीज़ एक्ट 1995 में लागू हुआ था। अब मुल्क में काफ़ी पैदावार होती है लिहाजा एक्सपोर्ट किया जाता है। अब इसमें तरमीम की ज़रूरत है। अनाज लहसुन प्याज आलू वगैरह को इससे मुस्तस्ना रखा जाएगा। ऑपरेशन ग्रीन का दायरा बढ़ाकर टमाटर प्याज और आलू के अलावा बकिया तमाम फल और सब्जियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। शहद की जो मक्खियां होती हैं उनकी परवरी के लिए 500 करोड़ रुपए की इमदाद का ऐलान किया गया। इससे मक्खी परवरी के लिए बुनियादी साख तामीर होगी और 2 लाख अफराद इससे मुस्तफीद होंगे। हर्बल पौधों की पैदावार को फ़रोग देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। गंगा के साहिल पर 800 हेक्टेयर ज़मीन पर हर्बल प्रोडक्ट्स के लिए कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में 15,000 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। इस फंड का इस्तेमाल दूध की पैदावार और उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने में किया जाएगा। 53 करोड़ मवेशियों की टीकाकारी का मंसूबा है जिसमें 13,343 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बजट में ऐलानशुदा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को फौरी तौर पर लागू करने का ऐलान किया गया। इसके तहत मूलगिर माहीगिरों के लिए 9,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। Of herbal cultivation, there is a National Medicinal Plants Board. 4,000 crores of rupees is getting allocated for this purpose. This board has already supported 2.25 lakh hectares of area under cultivation for medicinal plants. We think up to 10 lakh hectares will also be brought in for herbal cultivation in the next 2 years, with an additional outlay of. With an outlay of 4,000 crore, which is what I'm announcing now, and this will help generate at least 5,000 crores of income for those farmers who are engaged in this cultivation. Additional extents are also being expected to be brought in. But more importantly, we again refer to a speech by the Honorable Prime Minister where he had said, on both the banks of the river Ganga. They can be herbal and medicinal plants grown so that it can benefit the local farmers. And these medicinal and herbal plants are now in great demand globally also. So this board will undertake about 800 hectares of area, which will form a corridor along both the sides of River Ganga for growing of herbal and medicinal plants.
कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया है कि कोरोना बहरान के दरमियान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में इक्तसादी सरगर्मियाँ शुरू करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के जिस पैकेज का ऐलान किया है उसमें किसानों के लिए कुछ नहीं है, उनके लिए ये सिर्फ जुमला पैकेज ही साबित हो रहा है। कांग्रेस मवासलात महकमे के सरबरा रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जुमे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी ने 2 दिन पहले कोरोना बहरान के दरमियान मुल्क के लिए जिस इकतसादी पैकेज का ऐलान किया उसमें दावा किया गया कि इससे किसानों की हालत बेहतर हो सकेगी और ज़िरात का इसका बहरान ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये ऐलान किसानों के लिए सिर्फ जुमला पैकेज ही साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि ये पैकेज वादों के सब्ज बाग के अलावा कुछ नहीं है, इसमें किसान की कोई मदद नहीं हो रही है, ये पैकेज हकीकत से बहुत दूर है। उसने मुल्क के किसानों को मायूस किया है, लॉकडाउन की वजह से बेहाल किसानों को हुकूमत मरहम लगाने की जगह ज़ख्म दे और इसको खर्च के जंजाल में ढकेल रही है। इस ऐलान से यह भी वाजे हो गया है कि मोदी हुकूमत ना किसान का दर्द समझती है और ना ही काश्तकारी के मसले की उसे जानकारी है। तर्जुमान ने कहा कि इस हुकूमत को ज़िरात की कोई समझ ही नहीं है, इसलिए ज़िरात के नाम पर किसानों को सब्ज़ बाग दिखाए जा रहे हैं और हकीकत में उसके हिस्से कुछ नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि 2016 के किसान सर्वे के मुताबिक मुल्क में 14,64,00,000 किसान हैं, जिनमें से हुकूमत ने अभी तक सिर्फ 8,22,00,000 किसानों को ही किसान सम्मान निधि के लिए निशानजद किया, यानी 6,42,00,000 किसान तो निशानजद ही नहीं हो पाए। मोदी सरकार कहती है कि उन्हें 6,000 रुपये सालाना दिए जा रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि मरकजी हुकूमत ने ज़िरात की लागत कीमत गुज़िश्ता 5 वर्षों में तकरीबन 15,000 रुपये फ़ी हेक्टेयर बढ़ा दी है। You can start now, sir. नमस्कार दोस्तों, कुछ देरी के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आज तीसरे दिन का आर्थिक पैकेज जो पूरी तरह से खेती बाड़ी को लेकर है वो देश ने देखा और सुना। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की 3 दिन की जुमला पैकेज घोषणाओं से एक बात साफ है कि मोदी सरकार हेडलाइन मैनेजमेंट से हेल्पलाइन मैनेजमेंट तक का सफर तय करने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। 20 लाख करोड़ का पैकेज, देशवासियों के लिए राहत का पैकेज कम बल्कि वुडू इकोनॉमिक्स पैकेज अधिक साबित हुआ है। वादों के सब्ज बाग से मदद की हकीकत तक पहुंचने में सरकार ने पूर्णतया देश को निराश किया है। कोरोना महामारी में सबसे बड़ा संकट अन्नदाता किसान व राष्ट्र निर्माता मजदूर झेल रहे हैं। मरहम लगाने की बजाय मोदी सरकार किसान मजदूर को घाव दे रही है तथा मदद करने की बजाय किसान को कर्ज के जंजाल में धकेल रही है। एक बात साफ है कि मोदी सरकार न किसान की पीड़ा समझती है और ना ही खेती की समस्या, इसीलिए खेती के नाम पर परोसे जा रहे सब्ज बागों में एक फूटी कोड़ी भी मदद के नाम पर किसान को नहीं मिल पाई और हम उसके कुछ पहलू आपके समक्ष रखेंगे। सबसे पहला, रबी की फसलों की कीमत न मिल पाने से देश के किसान को 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है, पर नुकसान भरपाई के नाम पर एक फूटी कोड़ी। तबलीगी जमात पर मुल्क में कोरोना फैलाने के झूठे प्रोपेगेंडे और इस बहाने से मुसलमानों को बदनाम करने की मीडिया की साजिश और उसके दरपर्दा हुकूमत में बैठे कुछ लोगों की खामोश हिमायत का पर्दाफाश करते हुए जमीयतुल उलमाए हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि 47 ममालिक के 1640 गैर मुल्की तबलीगी जमात के अरकान थे, उनमें से 2 की मौत हो गई है और चंद की रिपोर्ट मुस्बित आई। मौलाना मदनी ने मेहनत शाखा के बाद जमा आदाद और शुमार जारी करते हुए आज कहा कि तबलीगी जमात में मजमूई तौर पर 1640 गैर मुल्की थे, उनमें से तिब्बी जांच में सिर्फ 64 की रिपोर्ट मुस्बित आई थी और 2 गैर मुल्की तबलीगी जमात वालों की मौत हुई। जिन 64 जमातियों की रिपोर्ट मुस्बित आई थी, बाद में जब इन लोगों का दोबारा टेस्ट किया गया तो रिपोर्ट मनफी बरामद हुई, यानी सब उस वक्त तंदुरुस्त हो चुके हैं।
मौलाना मदनी ने कहा कि मीडिया और हुकूमत ने कोरोना से मुतालिक आदाद और शुमार पेश करते हुए मुसलसिल कहा था कि मजमूई तौर पर इतने कोरोना के मुतासरीन सामने आए हैं जिनमें से 20% से लेकर 20% तो कभी 25% तबलीगी जमात वालों को बताया गया, जबकि जमात वाले वीडियो जारी करके कहते थे कि हमारा टेस्ट किया गया और सबकी रिपोर्टें मनफी आई हैं। इस तरह मीडिया ही नहीं बल्कि कुछ सूबों के बड़े बड़े मिनिस्टर के आदाद और शुमार क्यों नहीं पेश करती। हुकूमत और मीडिया के इस काले करतूत पर बैनुल अक्वामी तंजीम, आलमी इदारे सेहत और दीगर बैनुल अक्वामी तंजीमों ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया था, लेकिन हुकूमत उस वक्त तक तबलीगी जमात का नाम लेकर अलग अलग आदाद और शुमार पेश करती रही जब तक कि उसका मकसद यानी मुसलमानों से नफरत करना हासिल नहीं हो गया। मौलाना मदनी ने कहा कि मीडिया ने बड़े ज़ोरों शोर से तबलीगी जमात के सरबराह मौलाना साद और उनके ख़ानदान पर कोरोना फैलाने का झूठा प्रोपेगेंडा किया, यहाँ तक कि तबलीगी आलमी मरकज़ में ताला डाल दिया गया और उनके ख़ानदान वालों को भी मतून किया। मौलाना साद जो जमात के सरबराह हैं उनका और उनके ख़ानदान का और उनके बच्चों का टेस्ट नेगेटिव आया, यहाँ तक कि उनके खुसर मदरसे मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर के सदर मुदरिस मौलाना सलमान साहब और उनके बच्चों का भी टेस्ट नेगेटिव निकला। इससे साबित होता है कि कोरोना वायरस का जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस को मीडिया ने मुसलमान बना दिया। उन्होंने कहा कि वो फिरकापरस्त ज़हनियत है जिसकी वजह से खैर खुदावंदी ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस में आज भी इजाफा देखा गया। महकमे सेहत के मुताबिक आज 40 केसेस दर्ज हुए हैं, इनमें जीएचएमसी के हदूद में 33 केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि 7 माइग्रेंट लेबर्स भी मुतासरीन में शामिल हैं। तेलंगाना हुकूमत ने हाईकोर्ट से 10वीं जमात के इम्तिहान के इनेकाद की इजाज़त देने की दरख्वास्त की और इस सिलसिले में फौरी तौर पर कानूनी चारा जुई की अपील की। एडवोकेट जनरल प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हाईकोर्ट में अपील दायर की। तुलबा के मुस्तकबिल के पेश नज़र इम्तिहान के इनेकाद की इजाज़त देने हाईकोर्ट से अपील की गई, जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि डॉक्टरों के मशवरे से इकदाम उठाए जाएंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले की समाअत 19 मई को होगी। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने आज अन्नपूर्णा सेंटर्स का मायना किया जहां 5 रुपये में खाना फराहम किया जाता है। उन्होंने इन सेंटर्स पर खाना हासिल करने वालों से बातचीत भी की और खाने के मियार के बारे में सवाल किया। केटीआर ने इस मौके पर खाना भी खाया। तारक रामाराव जो तेलंगाना के वजीर आला चंद्रशेखर राव के फर्जंद व हुक्मरान टीआरएस जमात के कारगुजार सदर हैं, उन्होंने अन्नपूर्णा सेंटर्स के इजहार सताइश के तौर पर एक वीडियो भी सोशल मीडिया के अहम जरिए ट्विटर पर पोस्ट किया। इस 2 मिनट 19 सेकंड की वीडियो जिसको कई अफराद ने देखा है, इस सिलसिले में उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि अन्नपूर्णा खाने के मराकज का आगाज़ 6 साल पहले ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से किया गया था, जिनके जरिए तकरीबन 5.5 करोड़ अफराद को खाना फराहम किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि एक ऐसे वक्त जब तेलंगाना कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है, इन मराकज के जरिए 65 लाख से ज़्यादा अफराद को मुफ्त मियारी खाना फराहम किया गया।
मौसम बारिश के दौरान दरियाए गोदावरी से पानी के इस्तेफादा की एक्शन प्लान की तैयारी के सिलसिले में खसूसी इजलास वजीर आला चंद्रशेखर राव 17 मई को मुनक़िद करेंगे। वजीर आला इस बात पर तबादला ख्याल करेंगे कि मौसम बारिश के दौरान दरियाए गोदावरी से कितना पानी छोड़ा जाए, कितना पानी SRSP और LMD प्रोजेक्ट्स को मुंतकिल किया जाए। इस इजलास के सिलसिले में आबगीर इलाकों से ताल्लुक रखने वाले वुजरा प्रशांत रेड्डी, इंदिरा करण रेड्डी, ईटला राजेंद्र, KT रामाराव, कुपला ईश्वर, जी कमलाकर, एरबली दयाकर राव, सत्यवती राठौर और जगदीश्वर रेड्डी को मधु किया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी रजत कुमार, CMP सेक्रेटरी समीता सबरवाल, आबपाशी के माहरीन और दूसरे इस इजलास में शिरकत करेंगे। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने सनत नगर असम्बली हलके का दौरा करते हुए मुख्तलिफ कामों का जायजा लिया। उनके हमराह शहर के मेयर राममोहन, बल्दी नज्म व नस्क के सेक्रेटरी अरविंद कुमार, कमिश्नर लोकेश कुमार भी मौजूद थे। वजीर मौसूफ ने बलकमपेट के शमशान घाट के 3 करोड़ की लागत से किए जाने वाले कामों का जायजा लिया। श्रीनिवास यादव ने कहा कि शमशान घाट में असरी वॉशरूम और शमशान घाट के दाखिलों पर गेट नस्ब करें। इसके अलावा सनत नगर तथा बालानगर को जोड़ने वाली लिंक रोड का जायजा लिया गया। फतेहनगर फ्लाईओवर ब्रिज में मजीद 2 लाइन के इजाफे के जेरे इल्तवा कामों का उन्होंने मायना किया। इसके अलावा फतेहनगर के अन्नापूर्णा कैंटीन में गरीब आवाम को दी जाने वाली हिजा का भी जायजा लिया। तेलंगाना PCC के सदर व रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने मरकज की जानिब से लॉकडाउन के दौरान ऐलान करदा माली पैकेज को मायूस कुन करार दिया। फेसबुक लाइव प्रोग्राम से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज का ऐलान किया है उसमें माइग्रेंट लेबरर्स को गिजा फराहम करने व दीगर सहूलियात को छोड़कर किसी तरह से ये पैकेज फ़ायदामंद नहीं है। ख़ास तौर पर छोटे और मुतवस्सो सनतों MSMEs के लिए ये पैकेज कोई फ़ायदा करने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें इंडस्ट्री को बचाने की कोई ज़मानत नहीं दी गई और उनसे मुलाजमीन को ना निकालने और मुकम्मल तनख्वाहें अदा करने की हिदायत दी जा रही है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि दीगर ममालिक बशमूल अमरीका, बरतानिया, कनाडा में सनतों को बचाने के लिए लॉकडाउन के दौरान हुकूमतों की जानिब से माली इमदाद फराहम की गई, जिससे वो अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा कर रहे हैं। इसी तरह सनतों को रकमी इमदाद देने का कोई फ़ैसला नहीं किया गया। उन्होंने मरकज़ और रियासती हुकूमत को लॉकडाउन के दौरान आवाम को राहत पहुंचाने के लिए मज़ीद इकदाम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानों को खोलकर लॉकडाउन के असल नज़रिए को ख़त्म कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी इब्तदा से ही शराब की दुकानों को खोलने की इजाज़त की मुखालफत करती आ रही है, क्योंकि शराब पीने के बाद समाजी फासला बरकरार नहीं रखा जा सकता। उन्होंने कहा कि रेड जोन में तमाम तिजारती सरगर्मियों को बंद करके शराब की दुकानों को खुली रखने की इजाज़त देना गलत बात है। इस मौके पर PCC सदर ने कहा कि दरियाए कृष्णा के पानी को जायद मकदार में इस्तेफादा करते हुए आंध्र प्रदेश हुकूमत रियासत की तंजीमें जदीद कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इससे ये मालूम होता है कि अंदरूनी तौर पर दोनों में साजबाज हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के लीडर नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि जगनमोहन रेड्डी और KCR दोनों मिल चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आला KCR ने असेंबली में ऐलान किया था कि जगनमोहन रेड्डी को हम पूरा ताउन करेंगे। दिसंबर में जगन ने असेंबली में ऐलान किया कि पोती रेड्डी पाड़ू में तोसी की जाएगी। उन्होंने KCR से कहा कि वो धोखेबाजी का काम करना बंद करें। आंध्र वाले पुणे के पुणे वाटर रायलसीमा के तरफ कृष्णा जो नदी है उसी को डाइवर्ट कर रहे हैं। अब तेलंगाना को पानी नहीं मिलता, ये सूख जाता। ये अपने को 200-300 TMC है तो उसमें अपन 270 ही इस्तेमाल करें। उन लोगों को 512 है तो 650 TMC वो लोग ड्रा कर लिए, ज़्यादा कर लिए। और ये जो भी है ये
तेलंगाना के मिनिस्टर्स खाली बक रहे हैं, कोई जाके सीएम से मिलने का डर है, वो लोग सीएम को देखे तो नीचे से शुरू होता पानी। अब इसलिए पूरे बिल के लड़के इसको तो रोकना, नहीं रोके तो केसीआर जिम्मेदार है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट इम्तिहान यानी NEET इम्तिहान में शिरकत करने वाले दरखास्त गुजारों को अपने फॉर्म में तब्दीली का एक और मौका फराहम किया। मुल्क के मेडिकल कॉलेजों में दाखिलों के लिए यह टेस्ट मुनक़िद होता है। NTA ने ऐलान किया कि कोरोना वायरस के तनाजुर में यह आखिरी मौका है। उम्मीदवार ऑनलाइन दरखास्त फॉर्म में अपनी तस्वीर और इम्तिहानी मरकज तब्दील कर सकते हैं। मरकजी हुकूमत ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क की लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। लॉकडाउन को अब तक 3 बार बढ़ाया गया है। चूंकि मुल्क में कोरोना वायरस के मामलों में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, इसकी वजह से नीट JEE और NET जैसे कौमी सतह के इम्तहान के साथ साथ बहुत सारे दाखिले के इम्तहान मुलतवी कर दिए गए हैं। महकमे जंगलात और पुलिस मुलाजमीन की तलाशी की बड़े पैमाने पर मुहिम के बावजूद तेंदुए का हैदराबाद में पता नहीं चल सका, जो शहर के नवाही इलाके से लापता हो गया। ये तेंदुआ जुमेरात को शहर के मैलारदे फली इलाके के काटेधन ब्रिज के करीब आराम करता हुआ पाया गया था, जो जख्मी हालत में था। जब हुजूम इसको देखने के लिए जमा हो गई तो उसने अचानक सड़क पार कर ली और फार्म हाउस में चला गया। महकमे जंगलात के अहदेदारों का मानना है कि वह करीबी खेतों में छुपा हुआ है। पुलिस ने 24 CCTV ट्रैप कैमरे लगाए हैं ताकि इस तेंदुए का पता चलाया जा सके, जिसने फरार होने से पहले लारी ड्राइवर पर हमला करते हुए उसको जख्मी कर दिया। हुक्काम ने करीबी इलाकों में रहने वालों को मशवरा दिया कि वो अपने घरों से बाहर ना निकलें। शहर हैदराबाद के चिंतल इलाके में एक जहनी माजूर शख्स ने खुद को आग लगा ली। यह शख्स आग में लिपटा हुआ सड़क पर अचानक निकल आया, जिससे राहगीर खौफजदा हो गए। कई लोगों ने उसे देखकर दौड़ना शुरू कर दिया, जबकि बाज़ अफराद ने अपने कैमरों में उसकी फिल्मबंदी शुरू कर दी। इस जहनी मुतासरा शख्स की शिनाख्त चिंतल इलाके के सुदर्शन रेड्डी नगर के रहने वाले भुवन रेड्डी के तौर पर की गई। शुबा किया जा रहा है कि खानदानी झगड़ों के सबब उसने ये इंतहाई इकदाम किया। बाज़ अफराद ने थैलों और कंबलों के जरिए उसकी आग को बुझाने की कोशिश की। इसको बाद अज़ा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नाफिज करदा लॉकडाउन के सबब तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में फंसे आंध्र प्रदेश के अफराद के लिए आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की बसों का अहिया हफ्ते से अमल में लाया जा रहा है। AP के अहदेदारों ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से हैदराबाद में फंसे AP के अवाम की सहूलत के लिए हफ्ते से उनकी खिदमत का अहिया किया जाएगा। 15 पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले मुसाफरीन को ही ये सहूलत मिल सकेगी। AC non-AC बसों के चार्जेस कितने होंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब होगा, इसकी तमाम तफसीलात का ऐलान किया गया। हर जिले 130 बसें चलाई जाएंगी। इसी दौरान कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली से तकरीबन 4 बसों के जरिए 120 मुसाफरीन जुमेरात की सुबह तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए रवाना हुए। दिल्ली में AP तेलंगाना भवन के सिक्योरिटी अहलकारों ने दोनों रियासतों के वज़राए आला की सरकारी क़याम गाहों में खिदमत अंजाम देने वाले अफराद को इन बसों के जरिए भेजा। कोरोना की वजह से अमीर गरीब दोनों परेशान हैं, लेकिन हुकूमत को सकता है वो सहूलत से फायदा उठा सकता है, और जिसके पास पैसे नहीं है उन्हें राम भरोसे छोड़ दिया गया। हुकूमत की जानिब से बैरूने ममालिक में फंसे हुए हिंदुस्तानियों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन शुरू किया गया। बहुत खूब, यह खिदमत शानदार है। इस मिशन ने बैरूने ममालिक में फंसे हुए वतन वापसी के ख्वाहिशमंद अफराद में उम्मीद की किरण पैदा कर दी है। लेकिन हुकूमत की सहूलत से सिर्फ वो अफराद ही मुस्तफीद हो सकते हैं जिनके पास सामान्य सफर का खर्च बर्दाश्त करने की गुंजाइश है। तैयारों में वापसी के लिए भी टिकटों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया। आम दिनों के मुकाबले दुगना या उससे ज़्यादा टिकट की कीमत वसूल की जा रही है। इसके अलावा वतन वापसी के बाद भी उन्हें अपने जेब खर्च पर क्वारंटाइन में रहना होगा। ऐसे में काबिले तवज्जो बात यह है कि तलाश माश के सिलसिले में बैरून ममालिक में मुखीम ऐसे अफराद जो मुलाजिमतों से महरूम हो चुके हैं और वतन वापस होने के मुंतजर हैं, उनके लिए कोई राहत का सामान नहीं किया गया। पहले ही वो मुलाजिमतों से महरूम हो चुके हैं और लॉकडाउन की वजह से वो परेशान हैं। इन अफराद का ताल्लुक से कोई राहती पैकेज का ऐलान नहीं किया गया। इन अफराद का क्या होगा, उनकी वतन वापसी के लिए राहें कैसे हमवार होंगी? बड़े ओहदों पर फायज और जिनकी माली सकत बेहतर है वो इस सहूलत से ज़रूर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, लेकिन मामूली मुलाजमतें करने वाले अफराद का क्या होगा, वो कैसे वापस होंगे? इस सिलसिले में ताहाल हुकूमत की जानिब से कोई वाज़ेह ऐलान नहीं किया गया।
तलाशे मार्च के लिए दयारे गैर का रुख करने वालों में छोटी छोटी मुलाजमतें करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इस सूरत हाल में वो ना वहाँ रुक सकते हैं और ना वापस आ सकते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो कहाँ जाएँ। ये तो बात थी दीगर ममालिक में फंसे हुए अफराद की, कि वापसी की अगर हम मुल्क गिर सतह पर चलाई जाने वाली ट्रेनों की बात करें जिसके ज़रिए माइग्रेंट वर्कर्स को मुंतकिल किया जा रहा है, इसके लिए भी टिकट की कीमत वसूल की जा रही है। रियासतों की जानिब से टिकट की कीमतें अदा की जा रही हैं और कांग्रेस ने भी मजदूरों के टिकट का इंतज़ाम किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लॉकडाउन की वजह से मरकजी और रियासती हुकूमतों की आमदनी मुतासिर हुई है और यौमिया करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है। लेकिन इन हालात में हुकूमत की जानिब से अपना ख़जाना भरने के लिए माशी तौर पर परेशान आवाम पर मजीद बोझ आयद करना कहाँ तक दुरुस्त है। अगर हम बात करें तो आलमी सतह पर खाम तेल की कमी के बावजूद उसका फ़ायदा रास्त आवाम को पहुँचाने के लिए बजाय सरकारी ख़जाने पर तवज्जो मरकोज़ करते हुए पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में इजाफा किया गया। हालांकि इस मरतबा तेल की कीमतें इंतहाई कम कीमत पर पहुँच चुकी हैं, लेकिन आवाम को इसका फ़ायदा नहीं पहुँचाया जा रहा है, यानी कि हुकूमत की जानिब से कोई राहत नहीं पहुँचाई जा रही है। और अगर ऐसे में खुशकिस्मती से कोई मौका आवाम को राहत पहुंचाने का हाथ आता है तो उसका इस्तेमाल सरकारी ख़जाना भरने के लिए किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से अपनी आमदनी के तमाम रास्ते हमवार कर लिए गए, शराब की दुकानात खोल दी गई, तैयारों के टिकट की कीमतें बढ़ा दी गई, ट्रेन किरायों में इजाफा कर दिया गया, लेकिन क्या कभी उन गरीब मजदूरों की हालत के बारे में हुकूमत ने संजीदगी से सोचा कि उनकी हालत क्या होगी। सिर्फ ज़बानी खर्च के तौर पर मजदूरों के ताल्लुक से जज्बाती लबो लहजे में चार अल्फाज अदा करने और हकीकी मानों में उनकी मदद करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तलाश माश के लिए दयारे घर में सुकूनत अख्तियार करने पर मजबूर नकले मकानी करने वाले वर्कर्स के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। वो लॉकडाउन के दौरान होने वाली मुश्किल से परेशान हो गए और उन्होंने बिना किसी सरकारी मदद के पैदल ही आबाई मकाम को जाने का न सिर्फ फैसला किया बल्कि निकल भी पड़े। उनमें से बाज़ मजदूर मंजिल मकसूद तक तो पहुंच नहीं सके बल्कि इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। इन हालात में हर दिन कहीं ना कहीं सड़क या ट्रेन हादसे में माइग्रेंट वर्कर्स की अमवात हो रही है। ऐसा पहली मर्तबा देखा गया है कि अपना पेट पालने के लिए दूसरों का बोझ उठाने वाले मजदूर आज खुद अपना ही बोझ ढोने पर मजबूर हैं। हुकूमतों की जानिब से कितने ही दावे और ऐलान क्यों ना किए जाएँ, लेकिन मुश्किल हालात में हुकूमत ने किसका हाथ थामा और किसका हाथ छोड़ दिया, ये बात खुलकर सामने आ गई है। गर्मी की शिद्दत में अपनी मंजिल मकसूद की सिमत रवां दवा मजदूरों के काफिलों ने इमदाद के बड़े बड़े दावों की पोल खोलकर रख दी है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।